हाय गाइस, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को और इस बेल के आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आरएसएस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मेरे चैनल से PNG बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। तो गाइज, आपको बता दूं आप लोगों को कि सबसे पहले आपको कोई भी बैकग्राउंड या किसी भी चैनल से बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए आपको ईमेल आईडी होना ज़रूरी है और उस ईमेल आईडी से आपका आपके फ़ोन का ड्राइवर में लॉगिन होना ज़रूरी है। गाइज, ये दोनों काम ख़त्म करने के बाद आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आप मेरे चैनल का नाम सर्च कर लेना, RSA Studio Edit। चैनल का नाम सर्च करने के बाद आपको प्रोफाइल ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे जाना है। ये देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं इतना सारा वीडियो है। आप चाहे तो मेरे इतने सारे वीडियो में से किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड PNG डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली कोई एक मैं आपको बताऊँगा किसी एक वीडियो का बैकग्राउंड PNG डाउनलोड करके। तो मैं ऊपर वाला वीडियो का ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली थोड़ा देर आपको वेट करना है ताकि वीडियो लोड हो जाए। लोड होने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल वर्ड है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप इसे क्लिक करने के बाद गाइस इस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर देना और नीचे आना। नीचे में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल बैकग्राउंड लिखा हुआ है, तो आप इस ब्लू वाले लाइन पे क्लिक कर देना है। गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ब्राउज़र का, आप किस ब्राउज़र से ओपन करना चाहते हैं। तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि क्रोम ब्राउज़र से ओपन करना। मैं क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट कर लिया हूँ। गाइस सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है ताकि पेज लोड हो जाए। पेज लोड रिंग होने के बाद गाइस आपको बस यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को कैंसिल कर देना है और यहाँ पे 5 सेकेंड के लिए वेट करना है। आप देख सकते हैं प्लीज़ वेट 5 सेकेंड, मतलब ये पूरा कर लिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्किप ऐड कर देना है। गाइस स्किप ऐड करने के बाद आपको मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा RSA स्टूडियो के नाम से। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, स्क्रॉल नीचे की ओर करना है, आपको पेज डाउन करना है और नीचे आने के बाद आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एक डाउनलोड का ऑप्शन बटन बना होगा। अभी गाइस पेज लोड नहीं हुआ, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। गाइस आपको नीचे की ओर करना है और नीचे की ओर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस डाउनलोड वाला बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बस 10 से 5 सेकेंड आपको वेट करना है। गाइस आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस पर आपको अलो नहीं करना है, इसको कैंसिल कर देना है। और यहाँ पे आपको 5 सेकेंड पूरा हो गया, तो आप गाइस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्किप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्किप ऐड कर देता हूँ। स्किप ऐड करने के बाद गाइस अगर आपके फ़ोन में डबल ईमेल आईडी लॉगिन है तो आपसे यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा कि आप किस अकाउंट से डाउनलोड करना चाहते हैं बैकग्राउंड PNG। तो गाइस मैं ऊपर वाला इसे करूँगा, अगर आप चाहते हैं आप नीचे वाला से करना तो वो भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं ऊपर वाला से डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं उस पर सेलेक्ट करके और ओके कर दूँगा। और ओके करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं सारा PNG आ गया जो मैं उस वीडियो में यूज किया था। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साइड के बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।